हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में पांचवी रोड चौराहा पर रविवार को एक चलती कार को इंजन में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में ये कार धूं धूं करके चलने लगी। इससे आसपास के इलाके में एकदम से सनसनी फैल गई। बाद में दुकानदारों और बाकी लोगों ने उस पर पानी की बौछार कर काबू पाया। इंजन में शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लगी थी। दरअसल रविवार को एक कार पांचवी रोड चौराहा से जालौरी गेट की तरफ जा रही थी, जब पांचवी रोड चौराहा पर ही कोहिनूर सिनेमा हॉल के सामने इस कार के इंजन में से अचानक धुआं निकलने लग गया। इस पर चालक ने कार रास्ते में ही रोक दी। वो कार से नीचे उतरा तब तक इंजन के बोनट में से आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई थी। इससे चालक और बाकी लोग घबरा गए और वो कार से दूर हट गए। कुछ ही देर में कार के अगले हिस्सों को भी आग ने घेर लिया। इससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उस दौरान इस सड़क पर यातायात कम था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चौराहे पर मौजूद आसपास के लोगों ने कार को जलता देख पानी डालना शुरू किया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। कार में आग लगने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बाद में कार को सड़क किनारे किया गया। कहा जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लग गई थी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।